कांग्रेस प्रदेश सचिव रविंद्र पाठक अपने तमाम समर्थकों के साथ आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। खबर कराहा से है, जहां आज एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें प्रमुख नाम रविंद्र उर्फ राजू पाठक का है, जो वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव के पद पर आसीन है और कराहल कांग्रेस का क्षेत्र में मुख्य चेहरा है। आज वह अपने प्रमुख साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में सीएम के समक्ष शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि वन मंत्री रामनिवास रावत की बेहद करीबियों में गिने जाते हैं रविंद्र पाठक। जब से रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तब से ही रविंद्र पाठक के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके साथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य गीता आदिवासी और जनपद सदस्य एवं तमाम सरपंचों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये जो आप पीछे जो खड़े जो लोग देख रहे हैं, ये एक तरह से माना जाए तो पूरी कांग्रेस है कराल की, जो आज न जाने किन कारणों से, किन मतलब क्षेत्र के मुद्दों की वजह से भाजपा ज्वाइन होने वाली है। इनसे मिलके जानेंगे। इनमें जो रविंद्र पाठक जी हैं, ये जो कांग्रेस के भीष्म माने जाते हैं कराल के, उन्हीं से मिलके जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या मुख्य बात है ऐसी कि आप कांग्रेस के एक सबसे पुराने नेता यहाँ के रहे हैं और पूरी कांग्रेस तुम्हारे नाम से जानी जाती थी, आज आप पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? राजनीति एक सेवा का मंच होता है और मुझे, मैं सन 85 से राजनीति में हूँ और मेरा शौक रहा है और वो धर्म भी है कि सेवा करें। पूरे क्षेत्र में एक भाईचारे जैसा मतलब व्यवहार है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दो चार गांव के आदमी नहीं आते हों। मैं उतना बड़ा नेता भी नहीं, पर जितनी मेरी ताकत है मैं रात दिन उनके साथ, चाहे वो आधी रात पे आएँ तो उनके साथ मतलब चलता हूँ, कंधा से कंधा लगा के पूरी मतलब कोशिश करता हूँ। और ये सब जो मतलब रामनिवास जी जो थे, उनका भी ऊपर से मेरे हाथ मतलब रहता था। और अब जो कांग्रेस में कर्णधार बचे, मैंने ये देखा कि हेल्पिंग नेचर नहीं किसी का, और मुझे केवल शौक है सेवा का, मुझे मतलब समस्याओं का, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य केवल यही है कि जितना बन सके परमार्थ हो, दूसरे की समस्या दुख दर्द में साथ आएँ और उनकी समस्याओं को निपटाएं। वो अब संभव नहीं है। अगर मैं इसमें बना रहा तो अब मैं ना सेवा मतलब कर सकता, ना मतलब समस्याओं से जूझ सकता। मेरा सपना ये आगे कि इनके साथ रह के सेवा के लिए जा रहा हूँ, क्षेत्र की समस्याओं की एकदम मतलब चटनी बांट दूं, ये मेरा लक्ष्य है और इसीलिए जा रहा हूं। तो भाई साहब, अभी आप पर कांग्रेस में क्या पद है और आपके साथ कौन कौन लोग आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखो, मैंने कहा ना कि मैं राजनीति से हटके मेरा क्षेत्र में एक भाईचारा जैसा मतलब व्यवहार है। सब लोग बेचारे 20 साल से मेरे साथ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह जी, इनके साथ हम लोगों के साथ खड़े हैं और इनकी वजह से हम अपने आप में मतलब कुछ नहीं है, इनका सपोर्ट। और ये भी छोटे मतलब बड़े भाई की तरह मतलब मानते हैं, चाहे सरपंच हों, चाहे जनपद सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, कंधे से कंधा लगा के इनकी वजह से मतलब विजय श्री आज तक मिलती रही है। और जिला पंचायत सदस्य हैं श्रीमती गीता भाई आदिवासी मतलब राम प्रताप आदिवासी, और जनपद सदस्य हैं मेरे साथ राम प्यारी जी, मूर्ति जी, मोहर सिंह वगैरह, गोपाल जी मतलब डोबास्कर जो पहले जिला पंचायत सदस्य भी रहे, वर्तमान में सरपंच भी हैं, पहले भी सरपंच रहे, और ऐसे अनेक कार्यकर्ता मतलब प्रताप सिंह जी तो हैं ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, ऐसे अन्य कई लोग हैं जिला कांग्रेस कमेटी में जो थे, राधेश्याम जी मतलब कुशवा ये संगठन मंत्री थे, सत्यनारायण शर्मा ये भी संगठन मंत्री हैं, कई, अब मैं किन किन के नाम दूँ, राजू शर्मा निमानिया ये मंडल और सेक्टर के अध्यक्ष जितने भी हैं, इस तरह अनेक लोग। अब से पहले भाई साहब, कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ था जिसमें जयवर्धन सिंह आए हुए थे, आपने कांग्रेस के विधायकों को घेरा था, उसमें पूर्व मंत्रियों को घेरा था, क्या तभी से आपने मन बना लिया था कि कांग्रेस छोड़ने का, जो आपने एक बगावती तेवर वहाँ दिखाए थे, तभी से मन था क्या आपका? मेरा कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था थी और सन 85 से राजनीति में आया, तब से मैंने कांग्रेस में काम किया और ऊपर की गुटबाजी से कोई मतलब नहीं रखा, केवल सेवा भाव रखा। जो भी टिकट लेके आया, तन मन और जो भी मेरी सामर्थ्य थी, उस अनुसार मैंने सेवा की। मुझे कष्ट पार्टी और पार्टी के नेताओं से नहीं था, ऐसे नेता जो जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं का,
कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते, मुझे ऐसे नेताओं से सख्त नफरत है। राजनीति का लक्ष्य केवल सेवा करना होना चाहिए, जो मेरा था। और मैं इस बात की मतलब चुनौती भी देता हूँ कि क्षेत्र में कोई भी आदमी आज भी किसी प्रकार का पैसे का या पार्टी के साथ गद्दारी करने का जरा सा दाग भी लगा दे तो मैं उसी दिन ये सब बातों से संन्यास ले लूँगा, राजनीति और सेवा छोड़ दूँगा। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भाई साहब, आप जो वन मंत्री हैं उनके ही खास माने जाते हैं, एक तरह से माना जाए तो उनके लिए कराल का प्रतिनिधित्व आप ही ने उनका किया है, तो क्या कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वह रामनिवास खेमे में जा रहे हैं, भाजपा ज्वाइन ना करते हुए रामनिवास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है मतलब ये पूरा मामला? रामनिवास जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम छोटे बड़े भाई की तरह संबंध रहे हैं और 20 साल से तो मैं साथ हूँ। इसके पहले मतलब पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो मतलब एक तरह से पारिवारिक संबंध है। और सबसे बड़ी उनमें जो मतलब विशेषता है वो ये है कि मैं जिन जिन समस्याओं को जब जब फोकस किया, उन्हें सूचना दी, तो क्षेत्र की सारी समस्याओं ने निपटाई। भाई इस वजह से सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित हूँ। तो आप क्षेत्र के विकासों में गति आएगी, आप जब ज्वाइनिंग लेंगे उसके बाद में आएगी गति या क्षेत्र विकासों में? हमारे सब साथियों का लक्ष्य केवल एक ही है कि मतलब विकास कार्य करना, क्षेत्र की मतलब समस्याओं से जूझना। और एक बार हमारी भी अब उम्र काफ़ी हो गई, पड़ाव है आखिरी उस पर, 68 साल पूरी कर ली। ज़िंदगी का एक ही टारगेट है, लक्ष्य, कि हमारे जाने के बाद किसी के जीवन का कोई मतलब ठिकाना नहीं। ये क्षेत्र के हमारा जो भाईचारा है, क्षेत्र की जो जनता है जो साथ देती, वो याद करे कि उनके समय में समस्याएं निपटी और सेवा हुई थी, ये एक मतलब रिकॉर्ड बने। बस यही मेरा टारगेट है, यही लक्ष्य। भाई साहब, बरसों पुरानी पार्टी थी आपकी भी, क्यों ऐसा आज समय आया कि जाना पड़ रहा पार्टी छोड़कर? इसमें कांग्रेस में अभी कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं रहा, सोपोर से भी काफ़ी बुजुर्ग नेता इसको छोड़ चुके, यहाँ तक कि ब्रजराज सिंह जी ने भी छोड़ दी, रामनिवास जी ने तो छोड़ ही दी, सिंधिया जी भी छोड़ चुके हैं। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई मजबूत नेता ऊपर का शीर्ष का नेता नहीं मिला, और अब जो शीर्ष के बाहर के नेता हैं तो वो नीचे के हिसाब से नहीं कैंडिडेट चुन रहे, वो अपने ऊपर की धरातल से ही कैंडिडेट को चुन के यहाँ थोप देते हैं, तो उसमें काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं विधायक प्रत्याशी जो वो ऊपर से ही बना के भेज रहे हैं, उसको लेकर आप में ये रोष है? हाँ, कुछ रोष ये है कि वो यहाँ की जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की ना सुनते हुए ऊपर से उसका चयन करना पसंद कर रहे हैं। समस्या भैया, लोकसभा चुनाव से पहले ही छोड़ दिया था रामनिवास जी ने कांग्रेस को, तब आप क्यों नहीं गए? आप लोकसभा में आपने काफ़ी मेहनत की है। जब हमें उम्मीद थी कि स्थानीय लोगों की और यहाँ की मूल्यांकन करने के बाद ये कैंडिडेट का चयन करेंगे, सामने वाले के खिलाफ में जो भी कैंडिडेट उतरे तो कम से कम ऐसा उतरे कि उसके मुकाबले में, इसका जिस कैंडिडेट को ये नाम चयन कर रहे हैं उसका तो यहाँ अभी क्षेत्र में ही विरोध हो रहा है, सामान्य वर्ग ये तैयार नहीं है कि उसको वोट दें। पटेल साहब बड़े जुझारू नेता थे आप और बेबाक नेता थे कांग्रेस के, मैंने कार्यक्रमों में देखा, आप अपनी बात बड़े दमदारी से रखते थे, किसी मतलब झिझक बिना झिझक के सत्य कहते थे, आज क्यों पार्टी छोड़ रहे हो, क्या ऐसे कारण बन गए? हमारा कारण वही था जैसे पाठक जी ने पूर्व में बताया कि हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, हमेशा से समाज सेवा करना, क्षेत्र की जो भी समस्याएं उनका निपटारा करना, समाधान करवाना। आज हमको कांग्रेस पार्टी की तरफ से तत्काल के समय में देखने को मिला है कि उसकी नीयत और नीति में बदलाव आ गया, तो समाज सेवा होने में हमको थोड़ा सा कठिनाई आ रही थी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की राय सुनी।